नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, खबर शिक्षा विभाग से आ रही है, आदेशों की अनदेखी है। शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नहीं लग पा रही है लगाम, कागजों तक सिमटी विभाग की युक्तिकरण प्रक्रिया। इसी कारण से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधर रही है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। सभी शिक्षक अध्यापक देखें और इस पर अपने विचार जरूर लिखें। चलिए विस्तार जान लेते हैं, ये खबर किस जिले से आ रही है, लेट्स गो। तो दोस्तों, खबर रीवा जिले से आ रही है। शिक्षा के शिक्षकों के लिए चलाई जाने वाली युक्तिकरण प्रक्रिया महज कागजों में सिमट कर रह गई है। अभी भी सैकड़ों शिक्षक विभागीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति या कार्यानुमति के रूप में पदस्थ हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ऐसे शिक्षक अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके चलते विद्यालयीन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर युक्तिकरण प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया गया है। कई वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षकों को अतिशेष मानकर इधर उधर तो किया गया, लेकिन जो विभागों में प्रतिनियुक्ति या कार्यानुमति के तहत पदस्थ हैं, उन्हें हटाने में विभाग को पसीना छूट रहा है। उल्लेखनीय बात है कि यह भी है कि अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। यही कारण है कि चाहे किसी भी तरह का निर्वाचन हो, सर्वे हो, महामारी हो या फिर जनगणना का कार्य हो, शिक्षकों की सेवाएं आवश्यक रूप से ली जाती हैं। युक्तिकरण की प्रक्रिया तो प्रत्येक वर्ष अपनाई जाती है, लेकिन वह महज खानापूर्ति तक सीमित रहती है। जिन शिक्षकों को इधर से उधर किया जाता है, उनमें उनकी मर्जी शामिल होती है। शहर से ग्रामीण अंचलों में रिक्त पदों पर काफ़ी मात्रा में अतिथि शिक्षकों की भर्ती करके दोहरी क्षति पहुँचाई जाती है। भले ही शासन की ओर से शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पद पर पाबंदी हो, लेकिन काफ़ी मात्रा में शिक्षक अध्यापन छोड़कर प्रतिनियुक्ति की आड़ लेकर अधिकारी बन जाते हैं। इनमें से जिनका जुगाड़ फैल हो जाता है, वे संलग्नीकरण या किसी विशेष कार्य की समिति में अपना नाम शामिल करवाकर बड़े कार्यालयों में जमे रहते हैं। एक वर्ष की आड़ में दो वर्ष तक पद स्थापना। जिला शिक्षा केंद्र की स्थिति पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर एपीसी के पद पर की गई प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए थी, लेकिन एक वर्ष की आड़ में दो वर्ष तक संबंधित पदाधिकारी जमे हुए हैं। इसके बाद भी विद्यालय न जाकर जुगाड़ लगाकर अपनी प्रतिनियुक्ति बिना किसी नए सिस्टम के तहत आगे बढ़वा लिया। जबकि कार्यालयों में पदस्थ लिपिकों को तीन वर्ष में अन्यत्र स्थानांतरित करने के शासन के निर्देश हैं, लेकिन यह निर्देश महज कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रहते हैं। जबकि सूत्रों का मानना है कि यदि शासन की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करवाना है, तो इसके लिए आवश्यक होगा कि तीन वर्ष से जो लिपिक जिस कार्यालय में पदस्थ है, उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कार्यालय में जमे शिक्षकों की जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई है, उनका न्यूवल न करके नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। ऐसे शिक्षक को विद्यालय का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में विभागीय अधिकारियों को राजनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, प्रतिनियुक्ति खत्म करने के कैसे कई आदेश आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो उनकी अनदेखी हो रही है। इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको इसी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।